दोस्तों, हमारे कहे अनुसार हम आपके लिए लाए हैं आखिर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया का दूसरा भाग। अगर आपने पहले भाग को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पहले भाग को जरूर देखिए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भर के पर्वतारोही इस कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए और बहुतों ने क्यों इस पर्वत पर चढ़ने से साफ साफ इनकार कर दिया था। तिब्बती बौद्ध लामा क्या बताते हैं इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने के संबंध में? उनके पास ऐसा कौन सा रास्ता है जिसे अपनाकर कोई भी मनुष्य बड़ी आसानी के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है? आखिर क्या है कैलाश क्षेत्र में स्थित ब्रह्मताल और राक्षस ताल का रहस्य? इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं अद्भुत टीवी इंडिया और मैं आपका दोस्त प्रदीप आज इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर हम पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन करें तब हमें यह पता चलेगा कि इस पवित्र कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां मौजूद है जो उसके आसपास के वातावरण में समाई हुई है। इस भव्य पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, परंतु ऐसा कहा जाता है कि एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने 11वीं सदी में इस यात्रा को सफल बनाया था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जहां एक तरफ आज का आधुनिक पर्वतारोही पूरे साजो सामान के साथ भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया, वहीं दूसरी ओर एक तिब्बती बौद्ध योगी 11वीं शताब्दी में इस पवित्र भव्य कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कैसे सफल हो गया? शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे अनेकों तथ्य हैं जिन पर महान वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार महादेव के निवास स्थान के रहस्य को भाप पाना किसी साधारण मनुष्य के वश में नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा एक शोध के मुताबिक दुनिया एक एक्सिस मुंड नामक अवधि है। यह एक्सिस मुंड आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां चारों दिशाएं मिल जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस एक्सिस मुंड पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह बिंदु और कुछ नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही है जहाँ शिव की कृपा से अनेकों शक्तियों का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। यह शक्तियाँ कोई आम नहीं बल्कि अत्यंत अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इस शक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। केवल कैलाश पर्वत ही नहीं बल्कि इस पर्वत से सटे 22,028 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं। यहाँ उपस्थित ऋषि बताते हैं कि कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। कैलाश पर्वत की तरह ही कैलाश मानसरोवर के वातावरण में भी कुछ शक्तियों का प्रवाह होता है। यह एक प्रकार की अलौकिक जगह है जहाँ पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है जो कि ओम की प्रतिध्वनि करता है। कहा जाता है कि गर्मियों के दिन में जब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की अजीब आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मृदंग की आवाज है। मानसरोवर के बारे में एक मान्यता यह भी है कि कोई व्यक्ति अगर मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुंच सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, जैसे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में कुछ रूसी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी और वे गायब हो गए। पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने कहा कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत शिखर पर पहुंच जाऊंगा तभी मेरा रास्ता एक भयंकर बर्फबारी ने रोक दिया और चढ़ाई पूरी तरह से असंभव हो गई। कुछ पर्वतारोहियों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर कभी नहीं चढ़ा जा सकता, तो कईयों ने कहा है कि कैलाश पर चढ़ने का एक सीधा रास्ता भी है। विल्सन के असंभव कोशिशों के बावजूद रूस के पर्वतारोही सार्ल सिस्टियाकोव ने कहा कि जब मैं पर्वत के पास पहुंच गया तब मेरा दिल बड़े जोर से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल पास खड़ा था जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तब अचानक मैंने बहुत कमजोरी महसूस की और बहुत तेजी से मुझे ये ख्याल जकड़ने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से तेजी से नीचे उतर जाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही मैं नीचे उतरता गया मेरा मन हल्का होता चला गया। गॉड ऑन माउंट कैलाश किताब के लेखक देवेंद्र भासिन का कहना है कि पहले बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, तब उन्हें एकदम से प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, जैसे कि भारी मात्रा में बर्फीली तूफान और तेज हवाएं, यहाँ तक कि एकदम से बहुत सारे जानवरों का आ जाना और हर्ट में अचानक से प्रॉब्लम आ जाना,
यहाँ चढ़ने वाले हर इंसान को किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा और हर बार इसी वजह से उनका इस पर्वत पर चढ़ने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। इस पर्वत के संबंध में धर्मगुरु चक्रपाणि महाराज कहते हैं कि जब तक कोई मनुष्य श्रद्धा और आस्था से यहाँ नहीं आता तो वो चढ़ना तो दूर इस पर्वत के दर्शन भी नहीं कर पाता। मशहूर ऑस्ट्रेलियन लेखक और पर्वतारोही ने सन 1936 के घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि जब उन्होंने तिब्बत धर्मगुरु से सवाल किया कि क्या कैलाश पर चढ़ा जा सकता है, तब उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। तिब्बत गुरु ने कहा कि जो इंसान पूरी तरह से पाप मुक्त हो वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है और ऐसे में उसे बर्फ के रास्ते से पैदल जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे पंछियों की तरह उड़कर इस पर्वत शिखर पर जा सकता है। निकोलाय रेरिक, जो पेशे से एक रशियन पेंटर, राइटर, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका ये विश्वास था कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमय राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस शंबाला राज्य को कपापा के नाम से पुकारते हैं, जहाँ सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। 2001 में चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया था। कहा जाता है कि 2001 में माउंट कैलाश पर क्लाइम करने के प्रतिबंध से पहले चाइना गवर्नमेंट ने एक स्पेनिश पर्वतारोही टीम को कैलाश पर क्लाइम करने की परमिशन दी, पर दुनिया भर से और तिब्बती धर्मावलंबियों ने इस परमिशन के विरुद्ध में कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि माउंट कैलाश एक पवित्र पहाड़ है, इस पर चढ़ने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। इस प्रतिक्रिया के कारण माउंट कैलाश पर क्लाइम करने की परमिशन को रद्द कर दिया गया और माउंट कैलाश के साथ साथ सारे पवित्र पहाड़ों पर चढ़ने पर रोक लगा दिया गया। कैलाश का क्षेत्र बहुत सारे अद्भुत रहस्यों से भरा पड़ा है जिसके बारे में सुनकर यकीन नहीं होता। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य से आपको हम अवगत कराते हैं। कैलाश क्षेत्र में दो तालाब है, एक ब्रह्मताल के नाम से जाना जाता है और दूसरा राक्षस ताल के नाम से। ये दोनों तालाब एक दूसरे से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पर सबसे अचरज की बात तो ये है कि ये तालाब आसपास रहते हुए भी इन दोनों में घोर असमानताएं हैं। ब्रह्मताल का पानी मीठा है, इसमें जीव जंतु वास करते हैं, यहाँ लोग स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, यहाँ बहुत तरह की प्राकृतिक वनस्पतियां भी पाई जाती है। पर दूसरी तरफ राक्षस ताल का पानी बहुत खारा है, यहाँ चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा रहता है, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं आता और यहाँ तक कि ताल के पास जाने से सभी लोग घबराते हैं। कैलाश क्षेत्र से जुड़े रहस्यों की किताबों में यह भी कहा जाता है कि जब शाम सूरज डूबता है तब पर्वत के शिखर पर कुछ पल के लिए स्वास्तिक का निशान अपने आप ही निर्मित हो जाता है। चूंकि इस पर्वत पर चढ़ पाना असंभव है, इसीलिए इसे देख पाना असंभव है। दोस्तों, इस कैलाश क्षेत्र में ऐसे अनगिनत रहस्य है जो हमेशा से ही लोगों को आश्चर्यचकित करता आया है। कहते हैं जो सिद्धि पूरे जन्मों में नहीं पाई जा सकती वो यहाँ कुछ पलों में पाई जा सकती है। यहाँ आते ही हर मनुष्य में आस्था का एक ऐसा दिव्य संचार होता है जो अनुभूति के मार्ग से होते हुए सीधे आत्मा में हमेशा के लिए बस जाता है। अद्भुत टीवी इंडिया उस आदि योगी महासन्यासी तंत्र के महादेव भगवान शिव को नमन करता है और ये कामना करता है कि जिस किसी के मन में भी पवित्र कैलाश की भव्यता के दर्शन की इच्छा हो उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।